हाँ कितना भी केयर कर ले, जो बच्चे केयर कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो सेम रहता है यार। तो अब क्या प्लान है अब इसके बाद लॉकडाउन के? लॉकडाउन अभी क्या पता यार, जब भी कैसे खत्म टाइम पास हो रहा होगा। है अरे इसके बाद टाइम पास कैसे हो टाइम रहा है? पास, अभी टाइम पास तो मेरा काफी अच्छा हो रहा है एक्चुअली। मैंने अच्छा खासा रूटीन बना के रखा हुआ है घर पे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता हूँ, जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। इतना जल्दी मैं कभी नहीं उठता हूँ, तुम लोग सबको पता ही होगा। हाँ बट कि अभी क्या डीएनडी है, लगा ही रहता है बाहर से कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे। हाँ हाँ मेरा रूम का वो हमेशा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि रूटीन बना के रखा हो इसलिए क्योंकि छोटी भी हमारे साथ सोती है, तो उसका उठना, उसका खेलना, उसका कूदना, उसका सोना, उसके टाइम के हिसाब से सब उसके चलता हिसाब से सेट हो गया है सब। है। हाँ तो उसके हिसाब से सब चलता है। और वो टाइम पे सो जाती है, वो 9:30 बजे सो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैं और रितिका हम थोड़ा मूवी वूवी देखते हैं 2 घंटा। 11:30 12 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। कभी 11 बजे, कभी 11:30। तो और मैं 8 बजे उठ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे। और फिर उठ के सुबह हम खेलते हैं थोड़ा ये वो। फिर चार वैसे साढ़े सेम दोपहर रूटीन हो गया। दोपहर को यहाँ पे थोड़ा सा फिटनेस विटनेस कर लिया, फिर बस और कुछ नहीं। फिर शाम को अगेन उसके साथ हम यहाँ पे खेलते, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाते, नहलाता हूँ उसको। ये सब सीख गया हूँ मैं भाई, सब एकदम सीख प्रो हो गए गया हैं हूँ मैं। हाँ काम करना, तो सब नहलाना सीख गए हैं। उसको, नहलाना उसको, खाना खिलाना। मगर अच्छा है कि वो अभी उस एज में है ना कि अच्छे से टाइम पास कराएगी एकदम। सिर्फ एक ही चीज नहीं कर पा रहा हूँ उसके साथ, उसको सुला नहीं पा रहा हूँ मैं बस। वो मेरे साथ अच्छा नहीं सोती है, वो माँ के साथ ही सोती है यार। वो बच्चे का रहता है कभी कभी, पता है रहता है फील के हिसाब से कि उसके फील के बच्चे हिसाब को से। किस, हाँ कंफर्टेबल किसके साथ रहता है एकदम से, वो एकदम सो जाएगी। अगर आपके साथ नहीं सोएगी तो वो एकदम नहीं सोएगी, फिर माँ के साथ सोएगी, वो वैसे सेट हो जाती है वो। कोई नहीं, बहुत लोगों ने सवाल किए हैं कि आप जब खेलते थे राहुल भाई के साथ, सचिन पाजी के साथ, सहवाग पाजी के साथ, तो जब आप आए थे तो आपको क्या फील होता था, या फिर आपको कैसा लगा जब आप फर्स्ट टाइम सबको फेस कर रहे थे तो? यार मतलब मैं बहुत एकदम, जितना अभी बात कर रहा हूँ ना उतना पहले नहीं बात करता था यार। डरा हुआ रहता था हमेशा। और यार उस टाइम पे ना टीम में, टीम का उस टाइम पे टीम का माहौल भी थोड़ा सा वैसे ही था, थोड़ा सा मतलब ज्यादा इतना खुल के कोई नहीं बात करता था। हाँ क्योंकि मुझे जो लगता है अब जैसी टीम अभी है, जैसा माहौल अभी है, शायद कभी हुआ हो। नहीं ऐसा ऐसा तो इतना खुलापन नहीं हुआ है कभी, अब जितना मैंने देखा है टीम को। बट जब भी हम आए थे, जब भी मैं आया था तभी यार, मैं उम्र में भी फर्क था ना यार, मैं 19-20 साल का था। पाजी क्या पाजी का उम्र क्या था अभी? अरे जी बाप रे, होंगे पाजी अच्छे तो खासे, यार, 25 25 27। अरे कहाँ यार भाई, पाजी थे 33 के आसपास यार कुछ। मेरे से पाजी कितने साल बड़े भाई? 70, पाजी तो हाँ का 47th बर्थडे था ना अभी, 33। अरे 14 साल बड़े यार, तो वो 34 के थे, 34 साल के थे, जो मेरा उम्र क्योंकि अभी है 34 साल मतलब। डेब्यू के टाइम हाँ तो यार ये तो नहीं मतलब बनता, नहीं उम्र का भी होता। फर्क होता है ना। अभी हम सारे लड़के आसपास वाले ही है उम्र के, तो चल जाता है। बट अभी ये ऋषभ पंत हो गए, फिर ये तुम्हारे ये क्या नाम है, और दो तीन तीन चार लोग है बंदर, उनको उनके और हमारे उम्र में फर्क तो है, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ उस दिन पंगे लेने वाली बात चल रही थी चहल वाली, मैंने कि उसको नया शौक चढ़ा है काटने का। क्या काटने का? अरे शोल्डर में काट जाएगा, हाथ में काट जाएगा, कहीं भी काट जाता है यार चहल। और उसको पंगे लेने की आदत है, तो 3 4 दिन इनसे तो मुझे भी डर लगता है कि हाँ भाई। ये लोग है। बट एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लड़कों को हाँ छूट मिलना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि कभी बाउंड्री क्रॉस करना है कभी नहीं। एक लाइन लक्ष्मण रेखा बनानी चाहिए, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बना के रखा हुआ है सबके ऊपर, तो वैसा लक्ष्मण रेखा बनाना चाहिए, उसके आगे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए ज्यादा। हाँ। बट मुझे जो लगता है अभी के जो लड़के हैं यंग हैं,
हंसी मजाक ज्यादा करते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ बोलो और ना माने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं तो मैं यही मानता हूँ कि मुझे भी लगता था उस टाइम जब मैं डेब्यू किया था तो सब आप लोग सभी बैठे थे जब मैं डेब्यू किया था, और टेस्ट पे हम लोग दोनों साथ डेब्यू किए थे, तो हाँ वो भी एक सवाल है बीच में। लेकिन जब मैं आया था मैं मुझे भी ऐसे लगता है आ गया चहल आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं आए तेरे हाँ वो लिख रहा है नेवर पास क्रॉसिंग माय लाइन। और हाँ चहल। अरे लोगों को पता नहीं है होगा यार, चहल एक्चुअली चहल वो ये पंत और उनके ग्रुप वाला नहीं है वो, चहल साला होती कितना 29-30 साल का है चहल भाई। उमर लिख के गया रोहित भैया, कह रहा रोहित भैया रोहिता शर्मा वाली स्टोरी बताइए। चहल चुप कर यार, चुपचाप सो जा अभी। तो मैं ये बोल क्या रहा हूँ नाम है, कि चहल? चहल की एज कितनी है? 27 28 29 का है भाई वो। 29। चलो तो वही कह रहा था मैं, हम लोगों का ग्रुप अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा हम लोग वो सवाल आया तो 29 कह रहा है, I'm only 29। हाँ वही तो सवाल वो आया था कि हम लोगों ने साथ में डेब्यू किया था टेस्ट मैच दोनों बहुत, साथ में हाँ डेब्यू किया था टेस्ट उन्होंने, मैच जो कैलकाटा का टेस्ट मैच था। बहुत अनरियल डेब्यू था दोनों का, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया उस गेम में। शमी ने तो यार मतलब रिवर्स स्विंग करके कमाल ही कर दिया था, मैं स्लिप में ही खड़ा था, मुझे अभी भी याद है इतना रिवर्स स्विंग। अभी तो लोगों ने अभी पिछले अभी हाल ही में ही देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमने हाँ वाइजैक में जो टेस्ट मैच जीता उनके खिलाफ, वहां पर जो आपने रिवर्स स्विंग किया वो मुझे उस दिन आपका डेब्यू का याद आ गया था भाई। वो अच्छा फ्लिप एक रिदम भी मिल गया था यार मुझे उसमें, कि में हम लगता है लोग ना बात कि कर रहे थे, मैं अज्जू और साहा हम लोग स्लिप में खड़े थे, हम बात कर रहे यही बात कर रहे थे कि सेम जो डेब्यू में तुमने बॉल किया था वैसे ही बॉल चल रहा था तुम्हारा उस दिन। क्या था, एक तो गर्मी बहुत था। टेस्ट मैच तो एक हम लोगों का मेरे हिसाब से जो हाँ एक एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है लोग कि हम ऐसा परफॉर्म करें इंटरनेशनल जाके, तो वो बेस्ट था हाँ मेरे हिसाब से। डेब्यू के हिसाब से हम दोनों ने बहुत, जो मेरे हिसाब से लगता है कि वो बेस्ट था, और अच्छा बॉल भी नहीं हुआ, अच्छा बहुत बैटिंग भी बहुत हुआ तुम्हारा, सारी तरफ से ठीक लगा। मुझे हाँ ऐसा लगा बैटिंग कि इससे बेस्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकता, एज ए बॉलर, एज ए फास्ट बॉलर, ऐसी विकेटों पे आप उससे अच्छा करने को कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ हाँ एज ए बैट्समैन यार तुम्हारे ऊपर तो नो डाउट, दुनिया जानती है कि ये अरे बंदा मेरा छोड़ो जिस, शमी भाई, तुम अपना बताओ ठीक है। अभी जो हाल ही में अभी पिछले 2 सालों में लोग तुम्हारे फिटनेस की तुम्हारे बॉलिंग की काफी बात कर रहे हैं, काफी चर्चा कर रहे हैं कि शमी ने अपना फिटनेस और इतना चेंज कर दिया है, शमी का बॉल हाथ से अलग ही निकल रहा है और स्लिप में जब बॉल आता है या कीपर के पास जब बॉल जाता है तो ऐसे जोर से बॉल लगता है कीपर के ग्लव्स में। तो तुम लोगों को सुनना है यार ये बात कि तुमने क्या किया जो इतना इम्पैक्ट आपके बॉलिंग में आया है रिसेंटली, लास्ट पिछले 1-1.5-2 सालों में जो आपने बॉलिंग किया है उसके लिए आप मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे या क्या अलग आपने किया है उस समय। यार जैसे 2015 में जब मैं वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुआ था, जब पता ही था किस कंडीशन में मैं खेला था वर्ल्ड कप, तो हाँ उसके बाद 18 महीने के आसपास लगे थे, और मुझे लग रहा है वो मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल टाइम था, जो 2015 वर्ल्ड कप के बाद से जो मैंने फील किया। क्योंकि और एक ये एक और चीज 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना। बहुत यार, क्योंकि 2015 वही बता रहा हूँ, 2015 के बाद जब मैं इंजर्ड हुआ था तो 18 महीने मुझे लगे थे मैच खेलने के लिए,
जो मैंने लास्ट मैच खेला था, और फिर जब नेक्स्ट मैच खेला आफ्टर इंजरी, तो 18 महीने का पीरियड था उसके बीच में। एक तो वो बहुत स्ट्रेस दे सकता था, क्योंकि रिहैब पता ही है कितना ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि रिपीट सेम रिपीट होती है एक्सरसाइज डेली, बहुत दिक्कतों का सामना था। फिर जब मैं मैच में आया, उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी कुछ दिन के बाद। अच्छा, वो चली रही थी, इतने एक्सीडेंट भी हुआ। हाँ, वो बिल्कुल। और जस्ट आईपीएल से मुझे लग रहा 10 या 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, और ये मीडिया का भी वो सबसे हाई पे चल रहा था फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो उस टाइम पे मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती, तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे, अरे यार, उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार, ये किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा देते थे घर पे, मैं मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक बंदा मेरे पास रहता था, क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर, कि इसको इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा, ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। तो बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में मैं कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था। लेकिन घर वाले समझाने में, भाई बहुत बड़ी चीज है कि घर वाले आपके साथ हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी पावर आपके पास है कोई। घर वाले यही समझाते थे, बोले देखो हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। हर परेशानी, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, बहुत बहुत बड़ी परेशानी आती है। गिव अप उसका सोल्यूशन नहीं है, गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए ये बात। हाँ, तो घर वाले एक ही चीज कहते थे, गिव अप नहीं करना है आपको। हाँ, आप जिस नाम को आज लोग जानते हैं, जिस वजह से लोग जानते हैं, आप उस पे फोकस कर लो। बिल्कुल, जिसने तुम्हें बनाया है, जिस चीज ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, आप उसको मत भूलो, उसमें खो जाओ। बिल्कुल, तो सारी चीजें छोड़कर मैं इतने हाई स्ट्रेस में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं दिमाग को बांट रहा था वहां पे। प्रैक्टिस किसे, मतलब क्या, किस चीज़ नेट्स कर रहा था, नेट्स कर रहा था, रनिंग कर रहा था देहरादून में जब एक्सीडेंट हुआ था। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं फैमिली लेकर देहरादून चला गया अभिमन्यु एकेडमी में। जबरदस्ती जाते थे वहां पे भागना, प्रैक्टिस करना, कुछ ऐसा कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, इतना ज्यादा स्ट्रेस था। अच्छा, लेकिन एक दिन जब प्रैक्टिस के बाद आया, बैठा घर में, तो वही अपना कभी भी सैड हो जाता था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। तो घर वाले बस वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देख दिमाग को डाइवर्ट कर दूसरी तरफ, तभी होगा, वरना मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये मतलब सारी चीजें चल रही थी वो स्पीच में। अच्छा, तो भैया ने बहुत साथ दिया, हालांकि मेरे 2-3 दोस्त थे वो 24 घंटे मेरे साथ रहे। सबने बहुत अच्छा मेरे लिए, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता उन लोगों को जो मेरा साथ दिया इन लोगों ने। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कुछ कर जाता। और मैं आज मैं जो मैंने उस इंजरी के बाद जो मैंने किया है, जो मैंने फोकस डाला है अपने क्रिकेट के ऊपर, तो ये बड़े बहुत अच्छा लोगों के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सीख है। जितने भी लोग यहाँ पर है अभी सुन रहे हैं, इनके लिए काफी मतलब सीखने वाली चीज है कि यार इतना जल्दी हार मत मानो, अपने आप को, अपने आप पे भरोसा रखो, फाइटिंग स्पिरिट रखो, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है, वो फाइटिंग स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी अगर आपके पास। यार, लेकिन उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया है कि नहीं, अब जिस चीज ने बनाया वो ही बनाएगी मुझे फिर। उसके बाद मैंने अपना ट्रेनिंग का सेटअप किया। आपने देखा ही था पहले कि मेरा कोई टाइमिंग नहीं था किसी चीज का, कुछ नहीं था। अपने टीम में भी जब रहता था ट्रेनर बुलाते थे तब जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि खुद से जाओ या खुद से करो।
लेकिन 2016 के 16, 17, 18, 19 और 20 ये 4 साल 5 साल जो लगाए हैं इंजरी के बाद, ये नेक्स्ट लेवल की मैंने कभी जिंदगी में मैंने ट्रेनिंग वैसी भी नहीं की, उस टाइप की ट्रेनिंग मैंने नहीं की, क्योंकि ना कभी मैंने सोचा था। 2016 के बाद मेरे पास खुद का ग्राउंड, खुद का सेटअप जो हमारे एनसीए में नहीं है वो मेरे पास है, आज तक किसी को नहीं पता है। अरे बाप रे, अच्छा, वेरी गुड। जितना बड़ा बैंगलोर ग्राउंड है और एनसीए है, उससे बड़ा ग्राउंड मैंने अपने लिए छोड़ रखा है अकेले के लिए। क्या बात है भाई, जब मैं आता हूँ तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर, बस दोनों भाई। वो ग्राउंड की साफ सफाई करवाओ, वहाँ पे शायद आईपीएल का मैच होगा अक्टूबर में, लग तो उसकी जरूरत नहीं है भाई, उसकी जरूरत नहीं है, बस केवल ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन बस ये है कि ट्रेनिंग हो जाती है। अभी पता नहीं हमारा कौन सा क्रिकेट होगा, आईपीएल होगा या वर्ल्ड कप होगा या क्या होगा, भगवान जाने, किसी को कुछ नहीं पता। जो भी क्रिकेट हो, फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि क्लोज डोर पे ही होगा, बंद दरवाजे के पे होगा। तो वो यार कैसे मैनेज करोगे, मतलब कैसा, उसके बारे में सोचा है कुछ ऐसा, मतलब कि कुछ असर पड़ेगा तुम्हारे क्रिकेट पे या कुछ ऐसा कुछ सोचा है तुमने? यार देखो, अब हम लोग अगर देखें इस चीज को तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंडीशन वैसी है कि हम लोग ना तो जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना ट्रेनिंग है ना कहीं कोई ट्रैवल है। अगर हमें थोड़ा सा भी ट्रैवल मिलता है तो हम लोग घर की बजाय हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाते कि हमें ट्रेनिंग मिल जाएगी अंदर, वैसा भी कर लेते तो भी बेटर था हमारे लिए, लेकिन हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम कहीं नहीं जा सकते। तो हम ज्यादा लंबा ना सोचकर मेरे हिसाब से जो मेरी तरफ मैं सोचता हूँ कि बेस्ट वे यही है कि आप जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, अब जैसे मेरे पास है फैसिलिटी, मैं कर सकता हूँ, मेरे घर में खुद की चीजें हैं, तो जितना भी स्ट्रांग, जितना भी पावर, जितना भी ट्रेनिंग कर सकते हो वो कर लो। फॉर्मेट कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी होगा, हमें 10 से 15 दिन तो मिलेंगे। अरे ज्यादा मिलना चाहिए भाई, 10-15 दिन में कैसे यार, जनरली बोल रहा हूँ 15 दिन तो मिलेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे अपने आप को यूज टू कर सकते हैं, मुश्किल है जरूर के, हाँ डिफिकल्ट है सबके लिए, हर आदमी परेशान है, हर आदमी के पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट कोई भी आ जाए, अगर मैं टीम में हूँ तो मेरी वजह से कभी टीम में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इतने दिन के बाद आया है या लॉकडाउन था उसमें इसको झटका लगा है। तो मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जिस रिदम पे मैं छूटा हूँ, जिस रिदम पे मेरा लॉकडाउन यहाँ पे हुआ है, वही रिदम में दोबारा पा सकूँ। अच्छा। जैसे आपको ऐसे जैसे ट्रेनिंग की वीडियोस मिल रही हैं देखने, मैं डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और देसी वाले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हाई कट, उतना हाई लेवल वाली मेरे पास मशीन ही नहीं है, तो मैं कोशिश, जो कोशिश है मेरी वही है कि जो भी फैसिलिटी है मैं उसको यूज कर लूँ। अच्छा, हाँ, अरे हाई लेवल का फैसिलिटी फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। अरे चहल तो जा, तेरे को बोला मैंने, तो जा चुपचाप, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही हो रहा होगा यार, कोई नहीं मिल रहा ना उसको, वो देखो अभी भी उंगली कर रहा है, अभी भी मैसेज पे मैसेज डाल रहा है वो। एक और ये चीज पूछना चाहूंगा शमी, कि फिलहाल हमारा जो टीम का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में, मुझे तो, अरे अभी मैं, मतलब मुझे पता है कि हमने क्या अच्छा किया है, बट कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें थे जहां पे हमने अच्छा नहीं किया, इसीलिए हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। दूसरी चीज, कुछ कुछ जगह पे हम सीरीज जीत नहीं पाए, जैसे इंग्लैंड में, वैसे जगह पे वो सब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब आप कैसे सोचते हो ये सब चीज? हम ऑस्ट्रेलिया में जीते, बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छे तरीके से जीते हमने, हमने मेहनत किया, भले उनके पास ये और वो प्लेयर नहीं थे, बट फिर भी हमको जीतना था, उधर जाके जीतना था, वहां पर जाकर उनके बॉलिंग अटैक को खेलना था, वो उनकी बॉलिंग अटैक तो सेम ही थी, हमारे बैट्समैनों ने अच्छा बैटिंग किया वहां पे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि
जहां पे हम नहीं जीत पाए उस वहां पर हमें जीतना है, और उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे हम वर्ल्ड कप जो हमारे हाथ से चला गया, फिर अपना क्या बोलते हैं इंग्लैंड में हम अच्छा नहीं कर पाए, टेस्ट मैच वनडे सीरीज भी हारे हम वहां पर शायद, साउथ अफ्रीका रह गया हमारा, साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज हार गए, वहां पे एक्चुअली हम वो जीत सकते थे, बहुत क्लोज था यार वो, बड़ा क्लोज था वो, हम अगर यार हमारे हम मतलब बैट्समैन ने वहां पर वो कर दिया ना यार, पता है क्या हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारी टीम का जो मैं फील करता हूँ, अब जैसे आप हो मैं हूँ या कोई भी है अभी टीम का कोई भी मेंबर है, इवन विराट को भी, अगर हमें किसी को कुछ बोलना है तो हम डायरेक्टली बोलते हैं कि हम बैटिंग ऐसा कर सकते थे, हम बॉलिंग ऐसा कर सकते थे, इतने एक दूसरे से फ्रैंक है, इतने अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को कि कोई दिक्कत नहीं होती एक दूसरे में कहने के लिए कि हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते थे, कि बात का नहीं सोचना है हम ये करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और जहां तक साउथ अफ्रीका का हम लोगों का जो मेरे ख्याल से हम लोगों ने बैटिंग में बहुत जल्दबाजी कर दी, शायद दो या तीन बार तो हम लोगों ने साथ में बैटिंग की है बहुत जल्दी, याद है मुझे यार वो उधर सेंचुरियन में। हाँ तो दो तीन बार ऐसा भी हुआ कि बहुत जल्दी हम लोगों का नंबर आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग जैसे वहां पे हम लोग फ्लैंडर को सर्वाइव कर गए उसको, क्योंकि हम लोगों को आदत है कितनी भी तेज फेंको हमारे बैट्समैन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हल्के वाले बॉलर थे, जो मीडियम वाले बॉलर थे, उन्होंने हमें दिक्कत में डाला है हर जगह। बिल्कुल स्विंग बॉलर, हाँ जो ऊपर से स्विंग कराने वाले थे। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग बात किए थे कई बार, इस बारे में बात भी हुई कि हम लोग फॉरवर्ड नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा वेट करके खेलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, टेक्निकल थोड़ा सा वो गलत हो गया, थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल नहीं गए उसके ऊपर जो हमें जरूरत थी। नो डाउट बॉलिंग हम लोगों का बहुत अच्छा हुआ क्योंकि टेस्ट मैच को डिफेंड करने के लिए। लगता है तुम्हें ऐसा लगता है कि हमको 15-20 दिन पहले जाना चाहिए किसी भी हालत में, कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, बहुत एग्री हूं इस चीज के लिए कि 2 हफ्ते कम से कम देने चाहिए टीम को वहां पे यूज्ड टू होने के लिए। और आपको पूरी, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है जब ज्यादा गर्मी होती है जैसे कि प्रैक्टिस मैच दे देते हैं बीच में, मैं ज्यादा प्रैक्टिस मैच का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं ओपन नेट ज्यादा पसंद करता हूँ, उससे ज्यादा मैं भी यही पसंद करता हूँ कि ओपन नेट मिले वहां पे। एक बार हम लोगों ने, तुम्हें याद होगा साउथ अफ्रीका में, शायद हम लोगों ने 1-1.5 हफ्ता पहले जाके हम लोगों ने ओपन नेट्स किए, वो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस था एक्चुअली। वैसा ही प्रैक्टिस हमें करना चाहिए जहाँ पे 5 बॉलर लोग को बुलाया गया था बाहर से, और तुम चलेगा। हाँ बात, या हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वैसे भी सोचता हूँ, रहा इंग्लैंड का सवाल, इंग्लैंड तुम्हारे को, हाँ नहीं नहीं बताओ, इंग्लैंड वाला जो हम लोग का बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं, हम 20-30 रन वाले मैच आ रहे हैं, वहां भी हमारा सेम वो हुआ, सेम गलती हम लोगों ने रिपीट की है। बहुत अच्छे हम लोगों ने मैचेस रोक के रखे थे, लेकिन वही सेम जगह पे हम लोग लग किए कि हम लोग टेक्निकली शायद हम लोग वहां पे मिस हुए हैं। क्या मानना है आपका? थोड़ा सा हाँ, मैं तो इंग्लैंड के टूर पे था नहीं, तो मैं घर पे बैठ के देख रहा था कुछ मैचेस, मुझे भी ऐसे ही लगा कि यार वो एक दो जो क्रूशियल मोमेंट्स थे गेम के वो हमारे हाथ से चले गए और उन्होंने पकड़ लिया हमें वहां पर। वही जो मेन पॉइंट, जो मेन टाइम था, वहां पे हम लोग लैग कर गए, और थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। और जहां हाँ, मुझे जो लगता है कि हमारा जो टीम है और हमारा जो टीम का कॉन्फिडेंस है और जो एक दूसरे से बात करने का तरीका है, वो मुझे लगता है किसी टीम के पास नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन, कोई भी कोई टीम को चैलेंज कर सकता है। ए, हमारे पास भी अभी बॉलर है ना, अगर तुम अच्छा विकेट दोगे तो हमारे बॉलर्स भी आउट करेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि सेम ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है, हम लोग कैसे सीरीज जीते, वो चारों तरफ से फंसे हुए थे, क्योंकि वो ना तो ग्रीन टॉप दे सकते थे ना टर्नर दे सकते थे, होनी चाहिए और अच्छे से हम लोग कॉन्फिडेंस तो नो डाउट कि हाँ किसी में ऐसा कोई ऐसा है जो सोचता होगा कि मुझे वो कंडीशन चैलेंज की होगी हमारे लिए।
तुम्हारे पांच मुझे बेस्ट बॉलर बताओ भाई। पांच बेस्ट फास्ट बॉलर? हाँ तो हाँ मैं कुछ हाँ कुछ नहीं देखता था, मैं ये देखता था तेज कौन डाल रहा है और किसका बॉल स्विंग हो रहा है शुरू से। आरपी का बॉल बहुत अच्छा स्विंग भाई हो जाता क्लास था। चलता था आरपी भाई का बॉल, मुझे पता, मैं शुरू में जब देखता था तो क्लास यार। और जहीर भाई के साथ तो मैं लास्ट भी खेला हूँ, आशीष भाई के साथ नहीं खेल पाया, आशीष भाई के साथ नहीं खेल पाया। जैक और आशीष दोनों यार बहुत तेज थे यार। मतलब आशु भाई तभी स्विंग कराते थे वो पेस पे, और जैक जैक तेज था पहले, 140 हाँ प्लस डालता था एवरेज। फिर जैक का इंजरी हो गया 2005 6 7, आई थिंक 2006 में 6 या 7 के आसपास, उसके बाद वो काउंटी खेलने गया। उसके बाद से उसने अपना रनअप छोटा कर लिया था जैक ने, और फिर उसने फोकस किया सिर्फ टप्पे पे बस, जब जो वो साउथ मुझे साउथ अफ्रीका टूर में आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्चुअली दादा का भी कमबैक था। तो ये बॉलर, क्योंकि मुझे सीम और मुझे जानने की जरूरत, मतलब मुझे खुजली होती थी इस चीज को जानने में कि ये स्विंग कैसे होता है, सीम कैसे होता है, कट कैसे होता है, किधर कौन बॉलर कहाँ कराता है। मुझे ये पसंद नहीं था कि वो बॉलर है तो एज ए मतलब नाम से किसी को पसंद करते हो, या फिर लोगों की पर्सनैलिटी होती है कि ऐसी कि हाँ लोग ऐसे पसंद करेंगे। वैसे मुझे कोई पसंद नहीं, मुझे स्किल स्किल देखने में मजा आता था, करने का तरीका। ऐसा ही नहीं कि बंदा अपोजिट खेल रहा है तो आदमी उसी तरीके से देखे, या पाकिस्तान से तो उस तरीके से देखे। आदमी बंदा कैसा है, नेचर कैसा है बंदे का, या समझाने का तरीका हाँ कैसा है, वो ज्यादा पसंद आता, जो चीज जैक भाई में बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, पावर कट हुआ क्या हो गया हमारा, भाई तुम्हारा? देखो गांव में रहने का यही एक नुकसान है। और दोनों लेफ्टियों का हाँ 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 डर पसंद थे, और जब आपने स्टार्ट किया खेलना उसके बाद से आपको कौन से बॉलर पसंद आए, जिनके सामने आपको बैटिंग करना लगता है कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग बनता है। जब मैं आया टीम में तब भाई सबसे तेज बॉलर ब्रेटली था पूरे वर्ल्ड में, और मेरा फर्स्ट टूर था इंग्लैंड में, सॉरी आयरलैंड में, वहां पे डेल स्टेन था। तो डेल स्टेन भी उस समय बहुत तेज, मतलब फेवरेट एज इन, मैं जब भी उनको देखता भी था तो मेरे को देखने में भी पसंद आता था, और खेलने के लिए भी मुझे वो दोनों बॉलर बहुत टफ लगे। अभी फिलहाल में जो दो तीन बॉलर जो अच्छे हैं वो है आई थिंक रबाडा बढ़िया बॉलर है, ट्रबल वाले बॉलर लगते हैं क्योंकि उनके पास काफी डिसिप्लिन है, वो एक जगह पे हिट करने वाले बॉलर है, तो वो एक बॉलर मुझे बहुत पसंद है। तो और भी है बट ये दो बॉलर जो है फिलहाल, रबाडा और हेजलवुड, ये दो मेरे फिलहाल फेवरेट है। ये सब तो मतलब ये दोनों तो, ये चारों बॉलर जो मैंने नाम लिया, इन टीम में इतने अच्छी बॉलिंग अटैक है तो हमें बैट्समैनों को भी कितना फायदा होता है जब हम तुम जैसे बॉलरों को खेलते हैं नेट में, हमारे को काफी फायदा होता है उस चीज का जब हम तुम लोग को बैटिंग करते हैं नेट में। भाई नेटवर्क खराब हो गया तेरा शमी। अरे आवाज नहीं आ रहा है शमी, एक काम करते लास्ट